तो सोलो सुकुआ है भाई रोमन रेंज से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड, और इसी ऑब्सेशन की वजह से भाई वो सेम वही चीजें करना चाहते हैं जो रोमन रेंज ने अपने ट्राइबल चीफ वाली गिमिक में करी थी। अब आज हमने देखा है स्मैकडाउन में जब सोलो सुकुआ वाली ब्लड लाइन रिंग के अंदर आती है तो वहां पर पॉल हेमन ये चीज बताते हैं फैंस को कि जब तक रोमन रेंज नहीं है रोमन रेंज की गैर मौजूदगी में सोलो सुकुआ विल सिट एट द हेड ऑफ द टेबल, तब तक ये रहेंगे ट्राइबल चीफ। और उन्होंने इनफैक्ट राइट हैंड मैन भी बताया टामा टोंगा को, सिमिलर जैसे कि रोमन रेंज जेउसो को बताते थे अपना राइट हैंड मैन, तो वैसे ही सुकुआ टामा टोंगा को अपना राइट हैंड मैन बता रहे हैं। और जब ये चीज एड्रेस की जाती है पॉल हेमन द्वारा फैंस को तो फैंस की तरफ से वी वांट रोमन के चैंस लगने स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि अमूमन हम लगभग सभी शोज में देखने को अब हमें मिल रहे हैं। तो फैंस तो भाई बैडली चाहती है कि रोमन रेंज वापस आए। सोलो सुकुआ जब तक रोमन रेंज नहीं है तब तक वो पूरा लगे हुए हैं कि किस तरीके से वो रोमन रेंज को कॉपी करें, क्या क्या वो चीजें करें। मतलब ना सिर्फ वो अपने आप को ट्राइबल चीफ या हेड ऑफ द टेबल बुला रहे हैं बल्कि वो बाकी चीजें भी रोमन रेंज की कॉपी कर रहे हैं। मतलब जैसे कि रोमन रेंज रहते थे जिस तरीके से वो हग करते थे अपने बंदों को बिल्कुल वैसे ही वो भी हग कर रहे हैं। रोमन रेंज स्पेयर मार देते तो भाई सोलो सुकुआ भी आज स्पेयर मार रहे हैं अपना समोन स्पाइक छोड़ के, जैसे रोमन रेंज अपना वो शील्ड वाला पावर बॉम्ब मारते थे तो उसी तरीके का पावर बॉम्ब आज सोलो सुकुआ ने भी लगाया। तो काफी आप कह सकते हो कि रोमन रेंज को पूरी तरीके से कॉपी करना चाहते हैं यहाँ पर सोलो सुकुआ, सारी वही चीजें वो कर रहे हैं जो रोमन रेंज ने अपने ट्राइबल चीफ के गिमिक में करी थी। तो काफी इंटरेस्टिंग ये चीज लग रही है। और आज जब ये सारी चीजें चल रही होती है एड्रेस चल रहा होता है पॉल हेमन की तरफ से, तो केविन ओवेंस आ जाते हैं भाई सीधा, मतलब घुस जाते हैं तीनों के ऊपर अटैक करने के लिए अकेले ही। और फिर ऑफ कोर्स स्ट्रीट प्रॉफिट भी आती है उनको बचाने के लिए, एंड देन फिर वहां पर एक ब्रॉल देखने को मिलती है मेन 6 सुपरस्टार्स के बीच में, एंड देन फिर मेन इवेंट सेट हो जाती है ऑफ कोर्स 6 मैन टैग टीम मैच, जहां पर हम देखते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है और डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से ये मैच का जो रिजल्ट है वो नहीं निकलता है। एंड मैच एंड होने के बाद भी हम क्या देखते हैं कि ब्लड लाइन अपना जो अटैक है वो कंटिन्यू रखती है इन तीनों के ऊपर, और एट द एंड हम देखते हैं वही पावर बॉम्ब लगाते हैं केविन ओवेंस के ऊपर सोलो सुकुआ, जैसा कि रोमन रेंज लगाया करते थे। तो टेबल के ऊपर पावर बॉम्ब लगता है केविन ओवेंस के ऊपर और इस तरीके से स्टैंड टॉल करती है ब्लड लाइन, और इस तरीके से जो शो भी है वो वहां पर खत्म हो जाता है और इस तरीके से ये पूरा सेगमेंट खत्म होता है। तो बेसिकली यहाँ पर ब्लड लाइन को तगड़ा दिखाया जा रहा है, बिल्ड किया जा रहा है। ऑफ कोर्स रोमन रेंज के लिए थोड़ी बहुत दिक्कतें चल रही है इस ब्लड लाइन में क्योंकि वो वाली फील नहीं आ रही है। और मुझे यहाँ पर दिक्कत ये है इस चीज से, पूरे सेगमेंट से या जो भी चीजें WWE प्लान कर रही है, जो सोलो सुकुआ को देखने में वो मजा नहीं आ रहा है ना, उसका कारण ये है कि WWE सोलो सुकुआ से रोमन रेंज को कॉपी करवा रही है। आई थिंक कॉपी ना करके अगर वो सोलो सुकुआ अपनी चीजें करते, अपनी चीजों के लिए जिस चीजों के लिए वो जाने जाते थे या जिस तरीके से वो अपना अलग अगर कोई एंगल लेकर आते जिसकी वजह से सोलो सुकुआ की एक पहचान बनती तो वो ज्यादा बेहतर रहता, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो ऐसा लग रहा है कि रोमन रेंज से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है और वो पूरा रोमन रेंज को कॉपी करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से फैंस उनको ज्यादा पसंद नहीं कर पा रहे। पसंद तो वैसे भी नहीं करना था ऑब्वियसली, बट ये है कि थोड़ा सा ज्यादा वो तगड़े नजर आते कि भाई ये तो बहुत ही ब्रूटल है, ये तो बहुत ही तगड़ा है, तो वैसा फैंस बिलीव नहीं कर पा रहे। इनफैक्ट फैंस तो इनको कुछ ले ही नहीं रही है तगड़ा, मतलब हल्के में इनको ले रही है कि यार ये तो हल्के ब्लड लाइन है, इसको तो रोमन रेंज की ब्लड लाइन ऐसे ही हरा देगी। तो मेरे हिसाब से जो मेन कारण है वो यही है कि रोमन रेंज को कॉपी किया जा रहा है, जबकि वो अगर अपनी चीजें करते, अपने तरीके से चीजें करते, भले वो यही सारी चीजें करते ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल, बट अपने तरीके से करते, थोड़ा सा जो वो रोमन रेंज को कॉपी करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, राइट हैंड मैन बना रहे हैं ये वो, सो कुछ अलग फ्लेवर लेकर आते ब्लड लाइन में, तो हमें भी याद होता कि हाँ यार एक ब्लड लाइन का वो वाला फ्लेवर भी आया था। तो वैसा कुछ आई होप कि WWE आगे चलकर कुछ सोलो सुकुआ के फ्लेवर भी इसके अंदर ऐड करे इस ब्लड लाइन के अंदर। एक तो है कि चलो वो बहुत ज्यादा ब्रूटल है रोमन रेंज वाली फैक्शन से, रोमन रेंज वाली फैक्शन इतनी ब्रूटल नहीं थी जितनी है, ये कुछ ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल चीजें कर रही है, मतलब ऐसा WWE दिखा रही है, कर ऐसा कुछ नहीं रही है अभी तक, इन्होंने कुछ ऐसा कुछ खतरनाक नहीं किया है जो रोमन रेंज की ब्लड लाइन ने नहीं किया था, बट ऐसा WWE दिखा रही है। तो आई होप कि कमिंग वीक्स में ये जो चीजें हैं ये सेटल हो सके। इसके अलावा भाई आई क्विट मैच सेटअप हो चुका है क्रैश एट द कैसल में एजे स्टाइल्स और कोडी रोड्स के बीच में। आज हमने देखा दोनों के बीच में एक ब्रॉल होते होते रह गई क्योंकि सिक्योरिटीज वगैरह वहां पर आ गए और फिर वही सिक्योरिटीज वगैरह को मारते हैं कोडी रोड्स, जिसका एडवांटेज मिलता है एजे स्टाइल्स को, वो अपना फिनोमिनल फोरआर्म भी लगा देते हैं। तो बेसिकली आई क्विट मैच सेटअप हो चुका है, एक रीमैच है। अभी हमने देखा इन दोनों के बीच में एक क्लासिक मैच, तो एक और क्लासिक मैच होगा। स्टिपुलेशन अच्छी ऐड कर दी आई क्विट, आई क्विट को फैंस काफी ज्यादा पसंद करते हैं, तो आई डोंट नो ये रीमैच की जरूरत थी या नहीं थी, बट अब हो रहा है, स्टिपुलेशन अच्छी हो चुकी है, तो इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा बेटर लग रहा है कि चलो स्टिपुलेशन अच्छी है तो थोड़ी ब्रूटैलिटी वगैरह देखने को मिलेगी आई होप। इसके अलावा एले नाइट कार्मेलो हेस को आ देते हैं वन ऑन वन मैच में, और एले नाइट पूरा लोगन पॉल को भाई देखते हुए नजर आ रहे हैं, इधर उधर ढूंढ रहे हैं उसको कि भाई कहां है लोगन पॉल, कहां है लोगन पॉल। तो भाई लोगन पॉल और एले नाइट की जो स्टोरी लाइन है ये पहले ही काफी इंटरेस्टिंग मेरे को तो पर्सनली नजर आ रही है, बिकॉज मैं चाहता था ये वाली स्टोरी लाइन हो, मैं चाहता था रेसलमेनिया में हो, बट चलो कोई बात नहीं वहां नहीं, बट अब ये देखने को मिलेगी और काफी मजा आने वाला है। बाकी ओवरऑल शो में ठीक ठाक चीजें थी, बहुत ज्यादा वाओ चीजें नहीं थी, डिसेंट शो था ओवरऑल, और आई थिंक ऐसे ही शोज जा रहे हैं जो रेगुलर शोज अभी आ रहे हैं रॉ स्मैकडाउन के,
कि वो डिसेंट जा रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा वाओ नहीं हो रहे हैं, बट हाँ ये भी नहीं है कि भाई देखे ही नहीं जा रहे हैं। तो डिसेंट डिसेंट वाले शोज हैं। बाकी फिलहाल मेरे हिसाब से रॉ के शोज ज्यादा बेटर हो रहे हैं स्मैकडाउन के शोज से, बिकॉज वहां पर हमें चैड गेबल और सैमी ज़ेन वाली इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन देखने को मिल रही है। देन ये लिम मॉर्गन और डोमिनिक वाली तो तुम रिपीट पे देख रहे हो, आई नो दैट। इसके अलावा ड्रू मैकइंटायर वाली काफी इंटरेस्टिंग है, तो वहां पर कुछ है स्टोरी लाइन जो की काफी इंटरेस्टिंग है। बट स्मैकडाउन में अगर हम देखें तो कोडी रोड्स वाली कोई इतनी वाओ स्टोरी लाइन नहीं चल रही है। देन ब्लड लाइन वाली जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती थी बट वैसी WWE बुक नहीं कर रही है, तो वो भी कोई बहुत ज्यादा इंगेजिंग स्टोरी लाइन नजर नहीं आ रही है ब्लड लाइन की। तो स्मैकडाउन फिलहाल अच्छी स्टोरी लाइन लैक कर रहा है डेफिनेटली। आई होप WWE कमिंग वीक्स में इसको बेटर करे। और हाँ एक और चीज भाई लास्ट में, ये जो मतलब ये जो टीजेस वाली जो चीज चल रही है ना अंकल आउटी की, भाई सीरियसली मैं बताऊँ ऑनेस्टली मैं पक चुका हूँ इस चीज से। मतलब वो जो बार बार टीजेस आ रहे हैं इतने महीनों से आ रहे हैं वो, कि अब वो मुझे तो बहुत ज्यादा बोरिंग लग रहे हैं यार। सीधा रिटर्न कराओ बंदे की, पता नहीं क्या फालतू की चीजें दिखाए जा रहे हैं और उसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। मतलब छोटी छोटी चीजें दिखा रहे हैं और इतनी लंबी ड्रैग कर दी है। चलो कुछ हफ्तों तक चलता है बट ये तो बहुत लंबी करते जा रहे हैं। मतलब हर हफ्ते दिखा रहे हैं वो, बीच बीच में वो कभी बार कोड आ रहे हैं, कुछ बीच बीच में कोई मैसेजेस आ रहे हैं, और वो बिल्कुल इंगेजिंग है टू बी ऑनेस्ट। मुझे नहीं लगता कि लोग उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंगली देख रहे होंगे, या तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज दिखा रहे हो तो भी मजा आता है। वो सीधा बीच में बार कोड दिखा रहे हैं, मैसेजेस दिखा रहे हैं, लोग ध्यान भी नहीं दे रहे हैं उस पर आई गेस। तो बहुत ज्यादा बोरिंग हो चुका है क्योंकि बहुत ज्यादा ड्रैग कर दी है वो चीज WWE ने। ऐसा ना हो कि लोग इंटरेस्टिंग हो दे भाई अंकल हाउडी से। तो आई होप कि WWE अगर ला रहे हैं तो जल्दी लेकर आए, और अगर अभी उनको टाइम देना है अंकल हाउडी को, काफी लेट लेकर आना है वापस, तो ये सारी चीजें भाई इतनी ज्यादा ना करें क्योंकि ये बहुत ज्यादा बोरिंग लग रही है। बाकी आपके क्या थॉट्स हैं इस टॉपिक को लेकर भी और पूरे स्मैकडाउन को लेकर भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ये वीडियो थोड़ी पसंद आएगी, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।